बता दें कि ताजमहल पर बंदरों का आतंक जारी है। बंदर ने पश्चिमी गेट का बैरियर तोड़ा, बैरियर तोड़ने का सीसीटीवी फुटेज जारी हो गया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा इसका जो वीडियो है काफी वायरल हो रहा है। बंदरों के झपट्टों से पर्यटक भी काफी परेशान आ चुके हैं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। ताजमहल पर बंदरों का आतंक जारी है। बंदर ने पश्चिमी गेट का बैरियर तोड़ दिया और बैरियर तोड़ने का जो सीसीटीवी फुटेज है काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि काफी समय से ये खबरें चलाई जा रही थी सी न्यूज पर कि बंदरों का आतंक जारी है, बंदर जो पर्यटक है उससे काफी परेशान है बंदरों से, लेकिन उसके बावजूद वहां का प्रशासन संबंधित विभाग नहीं जागा। अब जिसके चलते अब वहां पर बंदरों ने पश्चिमी गेट को जो बैरियर वहां पर लगा था उसको तोड़ दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि बंदरों के झपट्टों से पर्यटक काफी परेशान थे, काफी समय से वो शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन जो संबंधित विभाग है वो नहीं जाग रहा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि बंदरों के आतंक के चलते बंदरों ने पश्चिमी गेट के बैरियर को ही तोड़ दिया। अब सवाल यहां यह उठता है कि क्या आगे भी इस तरीके से बंदरों का आतंक जारी रहेगा या फिर संबंधित विभाग इस पर संज्ञान लेकर इस पर कार्यवाही भी करेगा, बंदरों को रोकेगा भी, क्या बंदरों का जो आतंक है उसको खत्म भी करेगा, क्योंकि ताजमहल एक ऐसी इमारत है जहां पर लाखों की संख्या में पर्यटक डेली आते हैं, लेकिन वहां पर बंदरों के चलते उन पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बंदर ने बैरियर जो लगा था पश्चिमी गेट पर उसको तोड़ दिया है और वहीं पर ही बंदर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यही वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये देखिए एक बंदर किस तरीके से बैरियर को तोड़कर वहीं पर है और बावजूद उसके वहीं पर वो बार बार चढ़ रहा है, लेकिन वहां पर कोई भी सुरक्षा कर्मी या फिर कोई भी सिक्योरिटी वहां पर नहीं पहुंची है, जिसका नतीजा यह होता है कि बैरियर को ही ये बंदर तोड़ देते हैं। सवाल यहां पर बहुत है, क्योंकि क्या आगे इस तरीके से बंदरों का आतंक जारी रहेगा, क्या पर्यटकों को लगातार इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको यह भी बता दें कि ताज पर विचरण करते कुत्ते और बंदर लगातार पर्यटकों को परेशान करते हैं। कुत्तों का भी अलग है, कुत्ते भी लगातार पर्यटकों को परेशान करते हैं, उन पर हमला करते हैं। अब साथ ही बता दें कि बंदर भी उन पर हमला करते नजर आते हैं और काफी हद तक नुकसान भी कर देते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गोपाल, लगातार हम काफी समय से खबर चला रहे हैं कि बंदरों का आतंक जारी है और साथ ही जो कुत्ते हैं वो वहां पर काफी हद तक लोगों को परेशान करते हैं, उन पर हमला करते हैं, तो संबंधित विभाग क्यों नहीं जाग रहा है, क्यों नहीं एक्शन ले पा रहा है, क्या उसके सामने मुश्किल आ रही है? अंजलि, आपको बता दूं कि जिस तरह से ताजमहल पर बंदरों का आतंक देखने को मिलता है, वहां के निवासी ही नहीं जो कि आसपास के जो देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं वो भी काफी परेशान हैं इनके आतंक से। जिस तरह से देखा जा रहा है आए दिन उन पर हमले की घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक पर्यटन स्थल है और विश्व प्रसिद्ध इमारत है, तो वहां पर हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं, लेकिन इस तरह की जो लापरवाही है वो देखने को मिलती है। जब कोई घटना हो जाती है तो एक दो दिन अभियान चलाकर ये खानापूर्ति कर दी जाती है, लेकिन फिर से वही जो कह सकते हैं कि वही जो पुनः जो स्थिति देखने को मिलती है वही फिर से वही स्थिति पूरी जब देखने को मिलती है। हालांकि घटना, क्या इस पर इस वीडियो पर जो संबंधित विभाग है प्रशासन है उसने संज्ञान ले लिया है? नहीं, इसके बारे में अभी बताया गया था, लेकिन अभी जब अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया तो उनका कहना था कि बस ये कह सकते हैं कि इस तरह से इतना कहते हैं कि एक आयरन का इतना बड़ा मजबूत जो बैरियर है वो कैसे टूट सकता है। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तब ये बात क्लियर हुई थी, लेकिन जो भी देख रहा था उसको बैरियर को, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक बंदर इस बैरियर को तोड़ सकता है। तो जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तब लोगों ने इससे यकीन करना शुरू किया, जैसे देखा जा रहा था कि लेकिन बहुत हैवी बैरियर था और उसको इस तरह से तोड़ना
ये एक बहुत अपने आप में बड़ी बात है। तो ये देख सकते हैं जी गोपाल, क्या यहाँ पर जो ताजमहल है उसके आसपास क्या रात में सिक्योरिटी नहीं रहती है? जिस तरीके से वीडियो सामने आया है उसमें साफ नजर आ रहा है कि एक बंदर बैरियर को तोड़ता जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं पहुँचती है, तो क्या ड्यूटी नहीं होती है उनकी रात में? अंजलि, आपको बता दूं कि ये जो पश्चिमी गेट जो पार्किंग है वो सिक्योरिटी से पहले ही है, क्योंकि जो जो आपको बता दूं कि ताजमहल की सिक्योरिटी 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ब्लू जोन और ग्रीन जोन। तो जो ग्रीन जोन से जो स्टार्टिंग होती है तो वो पहले उससे करीबन 100 मीटर की दूरी पर देखी जा सकती है, तो वहां से स्टार्टिंग जो ताजमहल की होती है, क्योंकि यहां तक जो पार्किंग है यहां से कोई भी आम इंसान यहां पर जा सकता है। हालांकि जो ताज सुरक्षा है वो बंदरों के लिए नहीं है, आपको बता दूं कि ये तो जो नगर निगम और जो कह सकते हैं वन विभाग की जो संयुक्त टीम है ये एक काम करती है इनको लेकर। तो हालांकि अभी इस तरह की जो कह सकते हैं कि गतिविधियां देखने को मिली, क्योंकि इससे 2 दिन पहले ही एक महिला पर्यटक को जो कह सकते हैं कि जवान ने उनको उनके ऊपर हमला कर दिया, तो उनको घायल कर दिया था। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है हाँ हमें, और जब ये स्थिति देखने को मिलती है तो पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है संबंध विभाग की तरफ द्वारा। गोपाल, इस तरह की यहाँ पर सवाल बैरियर का नहीं, यहाँ पर जो आम पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनका है, क्योंकि जिस तरीके से बंदरों का आतंक जारी है वो लोगों पर भी हमला कर सकते हैं। जी बिल्कुल अंजलि, लोगों पर हमला करते नहीं है, करते हैं, और कल भी इनकी जो अब हम जो सी न्यूज के जो कैमरे ने इसमें कई सारे ऐसे वीडियो कैप्चर किए थे जहां पर जो बंदर हैं वो पर्यटकों पर हमला करते हुए देखे जा सकते हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि ताज की पश्चिमी गेट से निकलते ही पर्यटक जो भी खाने पीने की चीज लेते हैं तो उनको जो बंदर हैं जो बंदर हैं वो दूर से ही निगाह बनाकर रखते हैं कि जो वो जैसे ही वहां से निकलते हैं तो उन पर इस तरह के हमले कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो पर्यटक हैं तो उनके हाथ में जो आइसक्रीम है या कोई चिप्स का पैकेट है या कुछ भी ऐसी खाने पीने का जो सामान है तो उसको वो वहां से उनसे हाथ में से छीन लिया करते हैं। जी अंजलि जी, गोपाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि ताजमहल पर बंदरों का आतंक लगातार जारी है, साथ ही आपको बता दें कि कुत्ते भी वहां पर लगातार लोगों पर हमला करते हैं और बंदर भी पर्यटकों को काफी परेशान करते हैं। बता दें कि बंदर ने पश्चिमी गेट का बैरियर तोड़ दिया और लगातार इस तरीके की गतिविधियां वहां से सामने आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या जो संबंधित विभाग है, प्रशासन है, इस घटना के बाद जागता है या फिर यूं ही बंदर और कुत्तों का आतंक लगातार जारी रहेगा और पर्यटकों को परेशान करता रहेगा।